ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आपने भी देखा होगा गैराज में क्या हुआ। ये इस चीज को देखते हुए मुस्लिम थोड़ा समाजवादी की तरफ ही जागा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ यहाँ पर साइकिल पे चलते हैं, ये अलग अलग बढ़ जाते। लोग लड़ रहे हैं, पार्टी दे भी रही है टिकट तुर्कों को, पर सबके हिस्से में वोट नहीं है। वो दिखावा है एक तरीके से कि भाई जनता को इकट्ठा कर लिया, दूर दूर से बुला लिए, तो सबसे नीचे गई। उससे ऊपर तो ये जो चंद्रशेखर वाली पार्टी आजाद समाज पार्टी, ये उससे ऊपर जाएगी। तो बाहर ही थे, उन्हें हमने पहले भी वोट ना दिए थे। हम देते हैं लोकल के आदमी को वोट। वो अब क्या उन्हें एमपी बना दिया है, तो एमपी में उन्हें ही दे रहे थे। लेकिन जब वो उसमें आए थे समाजवादी से कैंडिडेट थे विधायक के, तो उसमें हमने वोट न दिए। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा भी है जहां पे उपचुनाव होना है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस समय हम कुंदर की के सैफपुर गांव में मौजूद हैं। हमारे संग कुछ तुर्क बिरादरी के लोग हैं जो कि यहां पे कुंदर की में 40% से ज्यादा है और वही एक्सपेक्टर का काम करते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं तुर्क बिरादरी के, उनसे जानते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं और उनका क्या समीकरण है इस चुनाव को लेकर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है जी। तुर्क बिरादरी किस तरफ जा रही है इस चुनाव में? तुर्क बिरादरी इस तरफ साहब, हमारा यहाँ तो ज्यादातर रुझान हाजी रिजवान की तरफ ही है, समाजवादी की तरफ जी। तो क्या है यहाँ पे दिक्कत, क्या है विकास, क्या क्या नहीं हुआ और क्या चाहते हैं इस चुनाव में बदलाव हो, ऐसा क्या है यहाँ की दिक्कत? विकास क्या है, सरकार ऊपर भाजपा की है, पहले विधायक जियाउर रहमान थे, अब उनकी सीट खाली हुई है, वो एमपी बने तो अब सीट खाली हुई है, तो अब टिकट हाजी रिजवान साहब को मिला है। अब सरकार का यही है कि अगर विधायक अगर अपोजिट है तो उसका विधानसभा का ख्याल रखना चाहिए, और क्या है। यहाँ मुद्दे यही हैं, सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, दवाई के लिए ये थोड़ी प्रॉब्लम चलती है, और कुछ नहीं है, बाकी तो ठीक ठाक ही है। अच्छा, भाजपा को की बात करें तो उन्होंने हिंदू प्रत्याशी उतारा है, बाकी तीनों ने, बसपा ने, सपा ने और AIMIM ने, तीनों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। तो क्या तुर्क बिरादरी और मुस्लिम समाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अलग अलग जगह भागेगा या एक ही तरफ रहेगा? देखिए, सरकार जो है बीजेपी की ठीक ठाक है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़ा एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है। अभी आपने भी देखा होगा गैराज में क्या हुआ। ये इस चीज को देखते हुए मुस्लिम थोड़ा समाजवादी की तरफ ही जागा। ये जो भाजपा है थोड़ा मुस्लिम के लिए हित में काम गलत करती है, इसलिए समाजवादी को ही वोट दिया जाएगा जी। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शाह आलम। क्या लगता है इस चुनाव में क्या समीकरण बैठ रहे हैं, किस तरफ जा रही है तुर्क बिरादरी? यहाँ पर शायद इस हमारे गांव में लगभग 1200-1300 वोट हैं, और जिसमें सभी तुर्क हैं और भी हैं, कुछ पाल भी हैं और कुछ हरिजन भी हैं, तो 1200-1300 वोट अलग अलग बढ़ जाता है। लेकिन पिछले बारे चुनाव में भी यहाँ पे लगभग 300-400 वोट रामवीर को यानी भाजपा को गए थे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ यहाँ पर साइकिल पे चलते हैं, ये अलग अलग बढ़ जाते हैं जी। तो इस बार कहाँ बढ़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि साथ में, आप कह रहे हैं बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं वो बढ़ जाते हैं, वो भी 2-3% जितने भी है जी। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहने जा रहे सर जी, कुछ तो कहना चाह रहे हैं। 2-3% क्या मतलब, जैसे हर आदमी का अपना अपना, कोई जैसे कोई किसी पार्टी से मतलब रखता है, कोई किसी से मतलब रखता है, थोड़े बहुत रामवीर से भी मतलब रखते हैं उनसे भी, तो 2-1% तो जातेंगे। कोई सी बिरादरी हो, कोई सी भी कोई हो, हर इंसान थोड़ा बहुत मतलब रखता है किसी से, तो ये 2-1% भी फर्क डाल सकता है आपको लगता है? नहीं, हमारी विधानसभा पर नहीं डाल सकते। आप किस तरह है? सही के लिए हाजिर रिजवान जी। क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या चाहते हैं, क्या, क्योंकि दिक्कतें हर जगह होती हैं, यहाँ क्या दिक्कतें हैं कुंदर की? दिक्कतें तो देखा जाए तो ऐसी कोई खास नहीं है, ज्यादातर आदमी देखता जो भी रखता है, हर इंसान ही रखता है, बिजली पानी की हमेशा रखता है, और ज्यादा बस इस चीज रखता है। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग ज्यादातर नौकरी के रखते हैं, वो भाजपा करती नहीं है, भाजपा नहीं करती, नौकरी नहीं करती, हिंदू मुस्लिम बहुत बढ़िया करती है, इसलिए आप सपा की तरफ?
नहीं इसलिए नहीं, अपने पास का विधायक है, पड़ोसी हमेशा अच्छा होता है, पड़ोसी हमेशा काम में आता है। यहाँ रामवीर होता पास में तो शायद हो सकता हम रामवीर को वोट देते, हमारे लिए इस टाइम हाजी रिजवान बेहतर है। चेहरा है आपका एक तरीके से कैंडिडेट? हाँ, चेहरा है अपना यहाँ, ये पार्टी को नहीं देख रहे, पार्टी को नहीं देख रहे, अपने आदमी को देख रहे हैं, अपने आदमी को देख रहे। मेरा नाम नदीम है। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बैठ? इस बार समीकरण क्या है, देखो ज्यादातर मुस्लिम तो समाजवादी को ही चाहते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, लेकिन अपने अपने काम के हिसाब से वो चुनते हैं कि भाई हम रामवीर को देंगे या किसको देंगे, पर पहली पसंद जो है वो समाजवादी पार्टी है। और हो सकता है कि कुछ लोग रामवीर पे जाएं, बीजेपी को भी सपोर्ट करें क्योंकि वो उनके काम है, लेकिन मेरे हिसाब से इस गांव में ज्यादातर जो है वो समाजवादी के ही सपोर्टर हैं। अच्छा, पूरी तुर्क बिरादरी की बात करें तो मेजोरिटी किधर दिखाई दे रही है जाती? मेजोरिटी तो समाजवादी के साथ, यहाँ पे एक्स फैक्टर माना जाता है कुंदर की, क्योंकि जिस तरफ ये कम्युनिटी चली गई उसको जीत दिला देती है, तो मेजोरिटी कहाँ जा रही है? देखो मेजोरिटी तो समाजवादी के साथ ही रहेगी। अब कुछ लोग लड़ रहे हैं, पार्टी दे भी रही है टिकट तुर्कों को, पर सबके हिस्से में वोट नहीं है। वो दिखावा है एक तरीके से कि भाई जनता को इकट्ठा कर लिया, दूर दूर से बुला लिए। अच्छा, तुर्क बिरादरी के कैंडिडेट को उतारने से क्या तुर्क बिरादरी उसकी तरफ चली जाएगी या इससे, या अगर तुर्क नहीं, का नहीं, भी ये, नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ तो समाजवादी वर्सेस बीजेपी है, समाजवादी वर्सेस बीजेपी। अच्छा, बसपा और एआईएम उनका भी तो तुर्क है, तो सबसे नीचे गई, उससे ऊपर तो ये जो चंद्रशेखर वाली पार्टी आजाद समाज पार्टी, ये उससे ऊपर जाएगी, इनके ऊपर है। दे सकते हैं यहाँ पे फाइट? फाइट तो नहीं है, फाइट तो दो में ही है, बीजेपी और समाजवादी। अच्छा, अगर वोट का पोलराइजेशन हो जाता है, बट जाते हैं वोट, तो फिर इसको बीजेपी को फायदा मिल जाएगा? देखो, अगर आप बटने की बात कर रहे हैं तो आप शुरू से आंकड़े को देखें कि यहाँ पे हिंदू वोट कितना है और मुस्लिम वोट कितना है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजवादी यहाँ सबसे भारी है। बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं बना जीता अभी, यहाँ उधर की 30 साल हो गए, 31 साल से सूखा है बीजेपी, सूखा है। इस बार कहा जा रहा है कि बदलाव देखेंगे, वो कह रहे हैं। देखो अगर ईमानदारी है, वजह क्या है इसकी, तो ये उपचुनाव है, वैसे तो उपचुनाव सरकार का होता, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो हाजी मोहम्मद रिजवान साहब की बहुत बड़ी जीत होगी। जी, 40,000 से तो इससे पहले भी जीते थे जियाउर रहमान, तो अगर कट भी रहे होंगे वोट तो मुझे तो लगता नहीं कि कटेंगे, अगर कटेंगे भी तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि प्रशासन अगर सख्ती करेगा तब, अगर सही तरीके से वोटिंग होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाजी रिजवान ही जीत जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उवैस नाम है। क्या समीकरण रहा है इस बार कुंदर की उपचुनाव को लेकर, आपका नजरिया क्या है? साहब हमारा तो हाजी मोहम्मद रिजवान रहेगा और कोई नहीं रहेगा इस साल। हाँ जी, दिक्कतें क्या है इस कुदरकी में जो है? अगर दिक्कत, अगर वोट पड़ गए हमारे साहब तो टोटल उसे कोई हाजिर जवान मोहम्मद को। यहाँ की कुदरकी में दिक्कतें क्या है वैसे? दिक्कतें तो इतनी है साहब के हैं, रोड नहीं है एक तो, दूसरी बात जो ये हमारा ये रोड पड़ा है, ये जो टंकी लगी है यहाँ, वो जो कह रहे थे कि हम टंकी डाल के जाएंगे उसके ऊपर से रोड डाल के जाएंगे, अभी तक इसका कोई भी काम नहीं हुआ। जी, वाले रोड, वो जो वाला रोड है, रामवीर सिंह ने बताई थी। हाँ, वो रोड पर, वो रोड परवाने का 8 दिन का वादा करा था, आज भाई साहब उनके वादे को 1.5-2 महीने हो गए, अभी तो काम चालू हुआ नहीं है। 10 साल आपने भी वीडियो देखी होगी, पहले तो यहाँ सपा के रहे ना, उनसे कहा था भाई साहब वो बाहर ही थे, उन्हें हमने पहले भी वोट न दिए थे, हम देते हैं लोकल के आदमी को वोट, वो अब क्या उन्हें MP बना दिया है, तो MP में उन्हें दे रहे थे, लेकिन जब वो उसमें आए थे समाजवादी से कैंडिडेट थे विधायक के, तो उसमें हमने वोट न दिए। जी, वो ना कभी आए हैं, जीतने के बाद आए ना, और अब जब से MP बनी जब से भी ना आई। वो लोकल के कैंडिडेट पे फोकस है जी, लोकल का तो लोकल फायदा होता है ना, फायदा होता है, काम में आता है लोकल वाला, बाहर वाला तो काम में आते ही नहीं ना, बहुत टाइम में आता है, कोई काम पड़ जाए तो वहाँ उसके पास जाना पड़ता है, जीतने के बाद अभी तक नहीं लौटे। बताओ, ग्राउंड का प्रत्याशी चाहिए? जी, ग्राउंड का, ग्राउंड का अच्छा रहता है, जमीनी नेता चाहिए, जमीनी नेता, और वो है हाजी मोहम्मद रिजवान साहब। जी, तुर्क बिरादरी सपा के साथ? जी जी, बिरादरी नहीं, तुर्क बिरादरी सपा के साथ, बिरादरी नहीं, सब लोगों के साथ, हिंदू मुस्लिम सब अपने सब के साथ चलते हैं। तो ये थे कुछ कुदरकी विधानसभा के तुर्क बिरादरी के लोग, जो कि कुदरकी विधानसभा के उपचुनाव में एक्स फैक्टर का काम करते हैं। इससे पहले भी जो भी चुनाव हुए हैं, जिस तरफ ये
कम्युनिटी गई है उस तरफ प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। अब देखना होगा, ये तो समय बताएगा कि किस तरफ तुर्क बिरादरी का वोट जाता है। मुरादाबाद से जगत गौतम, यूपी तक।